सबसे पहले आप सभी को मेरा प्यार भरा पहलाक और छोटों को मेरा ढेर सारा प्यार। सो गाइस, करते हैं आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग। सो कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप कि सभी लोग अच्छे होंगे। तो हम लोग भी बहुत मस्त है और आज मैं बहुत ज़्यादा अच्छी हूँ, मतलब क्योंकि असस का काम बहुत ज़्यादा हल्का हो चुका है, बस अब थोड़ा सा रह गया है काम। तो आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग मैं कर रही हूँ सुबह के 9:30 बजे। बाकी सुबह के काम वगैरह हमने कर लिए थे और अभी मैं रेडी हो चुकी हूँ दुकान के लिए। तो अब करते हैं नाश्ता, उससे पहले मैं दिखा देती हूँ आपको आज का मौसम। तो गाइस, मौसम की बात करें तो मौसम आज काफ़ी अच्छा है, अच्छी खासी धूप खिली हुई है और हल्के हल्के वाइट बादल लगे हुए हैं आसमान में, जो काफ़ी सुंदर लग रहे हैं। और असोच के काम भी बहुत ज़्यादा ख़त्म हो चुका है, तो काफ़ी अच्छा मौसम हो रहा है आज। तो आज खाने में बना हुआ है भात और पहाड़ी फेवरेट डिश भटके डुबके और सारी सब्जी। तो गाइस, खाना आज काफ़ी ज़्यादा टेस्टी बनाया है दीदी ने। वैसे भी दीदी के हाथ में जादू है, वो बहुत टेस्टी खाना बनाती है। और किस किस ने भटके डुबके मिस करे वो कमेंट करके जरूर बताना। और आजकल ठंडों के दिन स्टार्ट हो चुके हैं, तो ठंडों के दिनों में भटके डुबके और चावल और हरी सब्जी तो काफ़ी अच्छी लगती है। तो आज हमने वही बनाया था और दिन के लिए हम लेके गए हैं रोटी और सब्जी। तो अभी चलते हैं दुकान को और फिर दिखाते हैं आपको आगे का ब्लॉग। दुकान में पहुँच चुके हैं हम लोग, बाकी दिया धूप कर दिया है, झाड़ू पोछा भी हो चुका है। और अभी मेरे पास आए थे कस्टमर जिनका फ़ोन हो रखा है ख़राब, तो मैं दिखाते हैं इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये देख सकते हैं फ़ोन की हालत इस तरीके की है। इसका फोल्डर चेंज करना है मुझे, तो इसका फोल्डर मैंने ऑर्डर पर मंगा दिया और अभी शाम तक मेरे पास पहुँच जाएगा, उसके बाद मैं इसका फोल्डर चेंज कर दूँगी। तो यहाँ पे मेरे पास और भी कस्टमर आ चुके थे और इनका मैं काम कर रही थी, बाकी ये लोग मुझे बहुत गौर से देख रहे थे कि मैं काम किस तरीके से कर रही थी। बाकी इन लोगों का काम भी मैंने अच्छी तरीके से कर दिया था। तो अभी फिर से एक और फ़ोन आ चुका है मेरे पास और इसका चार्जिंग जो अपना मतलब थोड़ा दिक्कत कर रहा है, चार्जिंग हो रहा है फिर उसके बाद हट जा रहा खुद ही। तो इसका मैं चार्जिंग सॉल्यूशन मतलब करती हूँ। तो गाइस, मेरा काम हो चुका है और ये दूसरा फ़ोन भी आ गया था, ये भी चार्ज के लिए आया था, ये भी मैंने कर दिया है। और जो पहले वाला फ़ोन था वो भी मैंने कर दिया था और अंकल जी लेके चले गए हैं, तो ये वाला काम भी मेरा कम्प्लीट हो गया है। तो गाइस, इसमें मेरा फोल्डर भी आ चुका है, बाकी मैं इस फ़ोन का फोल्डर अब चेंज कर लेती हूँ। मुझे लगा शाम तक आएगा लेकिन उससे पहले ही मेरा फ़ोन मतलब फोल्डर आ चुका है, तो इसको फटाफट से ठीक करती हूँ मैं। गाइस, निम्मी अभी कर रही है डिस्प्ले चेंज फोल्डर फ़ोन का। तो मैंने इसका पुराना वाला फोल्डर निकाल दिया है और ये आ चुका था मेरा नया फोल्डर, तो इसको मैं इसमें लगा देती हूँ। अब मैंने इसकी सफाई भी कर ली है, तो अब फोल्डर मैं इसमें लगा देती हूँ और उसके बाद चेक कराती हूँ आपको कि काम कर रहा है नहीं। और मैं खेल रही हूँ यहाँ पे पबजी। तो यहाँ पे देख सकते हैं फ़ोन मैंने ओके कर दिया है, मतलब फोल्डर इसमें लगा दिया है। और यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफिक भी इसमें आने लग गए हैं, बट इसका लॉक मुझे नहीं पता है, लेकिन काम पूरा कर रहा है ये देख सकते हैं। तो गाइस, काम वाम करने के बाद मैंने लंच वगैरह भी कर लिया है, मतलब मैंने और दीदी ने। तो अभी मैं आ चुकी हूँ दीदी वाली चेयर पर और दीदी बैठी हुई है मेरी चेयर पर और अभी अच्छी खासी धूप हो रही, बहुत तेज़ धूप हो रही है। और अब थोड़ा एक गेम खेल लेते हैं पबजी। और मैंने अपने बाल भी चेंज कर लिए क्योंकि मैं वैसे वाले बालों में अच्छी नहीं लग रही थी ना। तो गाइस, अभी हो चुका है टाइम 5:30 और कोसी की मार्केट है अभी कुछ ऐसी, थोड़ा बहुत लोग दिख रहे हैं लेकिन दिन में तो अच्छे से ही नहीं दिख रहे क्योंकि आजकल असो जा रात साथ ही लगे हुए हैं। तो गाइस, अभी हम लोग आ चुके हैं घर और अब पीते हैं चाय। तो गाइस, दुकान से आने के बाद मैं बना के ले आई हूँ चाय गर्मा गर्म और जो हम पियेंगे अब।